कर दूं पोस्टपोन कर दूं मंडे से नहीं नहीं इसको पोस्टपोन कर सर टाइम निकल जा निकलता जा रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा था वो चलिए आ जाओ बच्चा उस चक्कर में कुछ और पढ़ नहीं पा रहा गुड सिर्फ बेटा तुमको क्या पढ़ना होता है बस ध्यान रखना अकाउंट्स और टैक्स कॉस्ट लॉ में नहीं है कुछ चलिए आ जाओ आज मैं तुम्हारे साथ ना सैलरी के अंदर कुछ बातें करूंगा पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या बातें करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परक्विजिट मेडिकल परक्विजिट ठीक है जी एक ये करेंगे फिर स्वीपर गार्डनर वॉचमैन अलग अलग करियर ऑप्शन है आपके पास ये बेनिफिट मिलता है ये परक्विजिट हाँ ठीक है परक्विजिट सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस एक्सेट्रा इलेक्ट्रिसिटी गैस एक्सेट्रा गैस पाइपलाइंस वाटर डब्ल्यू ए जी मैम हाँ जी मैडम बोलो बोलो मैडम आइए और बेटा लास्ट है मतलब जो आज का मेरा टारगेट है जो कवर करूँगा अच्छा एक और भी करना था LTC लीव ट्रैवल कंसेशन सिर्फ पीएफ करवा दो ये रहने दो वो पीएफ इतना बड़ा है कि अभी उस पर एक क्लास पूरी हो सकता है दो ढाई घंटे लगेंगे बहुत चेंजेस आ गए हैं हैं लीव ट्रैवल कंसेशन ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ हम आज क्या करेंगे और आखिरी है जी टाइप ऑफ एम्प्लॉय तो आइए अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ टोटल कितने परक्विजिट होते हैं टोटल होंगे मैडम 15-20 परक्विजिट्स होंगे लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ ये आज का जब खत्म हो जाएगा तो हमारा एक पीएफ रह जाएगा उसके अलावा छोटे छोटे 5-5 मिनट के परक्विजिट है फिर तुम्हारा टेक्निकली सैलरी डन ही है ठीक है दो क्लास और में अगर आज मैंने ये कवर कर लिया तो दो क्लासेस और बस आइए अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ मेडिकल परक्विजिट सर मेडिकल परक्विजिट क्या होता है देखो बेटा मैं आपको ना एक कंपनी ना एम्प्लॉई को पैसा नहीं दे रही कि मैं तेरे को हर महीना 10,000 रुपये मेडिकल अलाउंस दे रहा हूँ आप समझ रहे हो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबसे पहले बच्चा ना कंफ्यूज होता है अगर लिखा है मेडिकल अलाउंस तो उसका ट्रीटमेंट बताओगे आपको पता है टैक्सेबल अगर आपको हर महीना मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 10,000 पर मंथ तो साल का कितना हुआ 1,20,000 और सारा का सारा टैक्सेबल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलाउंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉई हो अगर आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो मैं पैसा दूंगा आप मुझे बताइए बेनिफिट है कि नहीं है बिल्कुल है तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको मंथली नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉयर अगर ये एम्प्लॉई अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है हम देख लेंगे ये कौन सा हॉस्पिटल होना चाहिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन सी डिसीज है अगर ये एम्प्लॉई हॉस्पिटल में एडमिट होता है मुझे बताइए हॉस्पिटल वाला अच्छा चलो ऐसा मान लो और बिल कितने का आ गया जी बिल आ गया 2,00,000 रुपए का कंपनी कहती है तेरे को टेंशन की कोई बात नहीं है एम्प्लॉयर ने पेड दी एक्सपेंस
और अब मुद्दे की बात ये समझिए, पहले एम्प्लॉय दे दे फिर मैं उसको दे दूँ, उसको रिम्बर्समेंट बोला जाता है, उसके बाद कर लूँगा। मुद्दे की बात ये है कि एम्प्लॉयर खर्चा बियर कर रहा है। मुझे बता दो आपको कितने रुपए का बेनिफिट दिख रहा है? 2 लाख रुपए का। अब सवाल ये है कि ये जो 2 लाख रुपए का बेनिफिट है ये टैक्सेबल होगा या ये टैक्सेबल नहीं? रिइंबर्समेंट और ये अमाउंट में फर्क है? देख, एक होता है तूने कुछ खर्चा करा, एक चीज समझ, मैंने बोला भाई तू खुद पे कर दे पहले फिर मैं दे दूंगा, देखो दैट इज रिइंबर्समेंट, ठीक है। और एक होता है कि कंपनी ने डायरेक्ट पे कर दिया। इन दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है? नहीं, कोई अलग नहीं होता, ठीक है। आप मुझे बताइए, बेनिफिट है 2 लाख रुपए का, सर इस 2 लाख रुपए का क्या होगा? जनरल सेंस में बोल रहा हूँ ये क्या होगा जी? सरकार कह रही है अगर किसी को मेडिकल आपत्ति है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और अगर वो जेन्युइन केस है और अगर कंपनी उसको हेल्प कर रही है तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे ही ये आपके दिमाग में आया आप मुझे बताइए, टैक्स प्लानिंग हो सकती है? ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जहाँ पर मैं जाके बात कर लूँ, देख भाई मैं एडमिट तो होऊंगा नहीं लेकिन तू 10 लाख का बिल बना दे भाई। हो गया, मैं क्यों बनाऊँ? मैंने कहा तेरे को 50,000 दे रहा हूँ। उसने बिल बनाया, मैंने कंपनी को दिया, कंपनी ने मेरे को 10 लाख दे दिए, सैलरी मैंने कम रखवा दी और मेडिकल के नाम पे अलग अलग ऐसे हॉस्पिटल्स ढूंढ लिए मैंने जहाँ पे फर्जी बिल बनते हो। मुझे बताइए, एक्सप्लॉइट हो जाएगा प्रोविजन? नहीं होगा। तो बेसिकली सरकार ने क्या कर दिया बेटा, सरकार ने बोला हम बताएंगे कौन से हॉस्पिटल। सरकार ने क्या बोला कि हम बताएंगे वो कौन से हॉस्पिटल होने चाहिए, यानी कि बेटा आपको जनरल बता रहा हूँ, मेरे को पूरा प्रोविजन लिखना है, ये जो हॉस्पिटल्स है ना, ये एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर एग्जेम्प्ट हो रहा है, या फिर दीज आर CGHS में गवर्नमेंट में ही आ जाता हूँ, मतलब कि गवर्नमेंट वो होगा उनके पैनल में जो जो आ रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आपको पता है इनकम टैक्स ने ना हॉस्पिटल्स को अप्रूव करा हुआ कि हम इन्हीं हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट ही तुमको अगर ये हो रहा है तो होगा। तो बेसिकली कुछ हॉस्पिटल्स विच आर अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, एक तो वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड होना चाहिए अगर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो, और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसीज़ होनी चाहिए। हमें नहीं जाना उसके अंदर वो स्पेसिफाइड डिसीज़ कौन सी है, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ, आपको मैंने इंटरेस्ट फ्री लोन कराया था, वहाँ पर याद है कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ ऐसा Rule 3A करके मैंने लिखवाया था, अगर हल्का सा भी याद हो। याद है कि इंटरेस्ट फ्री लोन में क्या होता था, जो भी तुमको इंटरेस्ट का सेविंग हो रहा था वो टैक्सेबल होता था, बट दो केस में इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता था, व्हेन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000 एंड सेकंड इज मेडिकल ट्रीटमेंट। किस चीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट? स्पेसिफाइड डिसीज का था। वहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे मैंने लिखा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। क्या लिखा होगा? ऑफ एम्प्लॉय, वहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिसीज लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला भी सेम होता है, तो हाँ अंडर Rule 3A, मतलब तुमको इसके अंदर नहीं जाना कौन सी है, बट मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा डेडली डिसीजेज होती, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज या जो भी हैं, हमको नहीं जाना उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर डिसीजेज नोटिफाई करी हुई, ठीक है साहब। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो फिर से बोलो? स्पेसिफिक डिजीज हम नहीं पढ़ेंगे, किस में क्या ट्रीटमेंट करनी तो करना तो पड़ेगा। पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, कल को तू ऑफिस में होगा तब तेरे को पढ़ना है। अच्छा, अभी तू डिसीज याद करके जाएगा, और अगर पेपर में नहीं आई, जो कि आज तक 50 साल से नहीं आई, तो फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन यस, अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो और एक इंसान आया कि मेरी कंपनी ने मेरे ऊपर 25 लाख का खर्चा करा है, अब उसको सीधा नहीं बोल सकते एग्जाम्प्ट, यू हैव टू सी वो कौन से हॉस्पिटल में गया, क्या वो अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है या गवर्नमेंट वाला है। और आप देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर आई वांट टू से एनी डिसीज, गवर्नमेंट में लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा, नीचे लिखा। क्यों जी? हमें बताएगा बताएगा।
बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपके साथ असली, ये तो मैंने एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल बना रहा था, आइए अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट या तो इन इंडिया होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया भेजा जाए मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर इन इंडिया है तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई या फिर उसके फैमिली मेंबर, तो ये हर जगह ना, जहाँ पर भी मैं एम्प्लॉय की बात करूँगा मैं उसके फैमिली मेंबर की भी बात करूँगा। ज़रूरी नहीं होता बेटा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर जागृति मैम जॉब कर रही हैं तो उनके, उनका तो पैसा, अगर उनके ऊपर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन है तो कंपनी देती देती है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर में मैं हूँ, ठीक है, उनके पेरेंट्स हैं, तो अगर उनका भी खर्चा होता है तो वो भी मिलता, समझ रहे हो? तो कल को जब तुम नौकरी करोगे ना, ऐसा नहीं होता कि कंपनी कहती है देख भाई तू हमारा एम्प्लॉय, तेरे ऊपर का खर्चा, तेरे ऊपर भी, और वो बोलता है तीन फैमिली मेंबर, चार, ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है पहले तो, कि हम इतने लोगों का भी रिम्बर्स करने को तैयार हैं। वो तो एक अलग एक्ट के थ्रू अलग फंडा चल रहा होता है, ईएसआई अलग होता है। जो खर्चा होता है ना बेटा, पैरासिटामोल के नहीं रिम्बर्स होते, हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और आप भी कभी ऐसी प्लानिंग मत करना जैसी कंपनी ज्वाइन करेगी पैसा मिलेगा तो बीमार हो जाता है, हार्ड से काट दी पता लगे, ठीक है ना? तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई या फिर उसके फैमिली मेंबर इनकर्ड या फिर रिम्बर्स्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, या तो इनकर कर दिया या फिर रिम्बर्स कर दिया, किसने करा बेटा? एम्प्लॉयर ने। ओ भाई एम्प्लॉय बीमार पड़ रहा है, एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, उसकी बातें करूँगा क्या मैं? बेनिफिट थोड़ा है कुछ, ठीक है? इनकर्ड या रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर विल बी एग्जेम्प्ट, ओके। यानी कि अगर एम्प्लॉयर खर्चा करता है तो जो भी खर्चा वो कर रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसके हैंड में? लेकिन मैं जो केसेस लिखाऊंगा सिर्फ उन्हीं केसेस में, अगर आपका केस उसमें फॉल नहीं कर रहा, तो अगर आपका एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ये स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर एग्जेम्प्ट। एक्सपेंस इनकर्ड या फिर रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओके। यानी कि बेटे जैसे सपोज करो मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल ने अपने एम्प्लॉय को बोला है देखो अगर तुमको कोई भी अगर मेडिकल इलनेस होती है, कोई हार्ट का ऑपरेशन है, कुछ भी है, छोटा कुछ भी है, अगर मैक्स हॉस्पिटल कह रहा है मैं दूंगा सारा पैसा, तो मुझे बताइए क्या कुछ टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हैंड्स में? सर अगर नहीं, बट अगर अगर आप एक किसी हॉस्पिटल में ही काम करते हो और आपके ऊपर अगर कोई भी खर्चा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर आपके ऊपर वो खर्चा करा, दैट्स एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस, हॉस्पिटल की, बाकी कंपनीज नहीं करती। बाकी कंपनी क्या करते हैं बताऊंगा वैसे तुम्हें प्रैक्टिकली क्या होता है। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ भी खर्चा हो रहा है विच इज इनकर्ड या फिर रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, सर
इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, अगर हॉस्पिटल सरकारी है ना बेटा, तो सरकार को ये भरोसा है कि ना फर्जी बिल नहीं बन रहे होंगे. कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्स में जाकर बोल रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बोल रहे हो आप मुझे बिल बना के दे दो ज़्यादा का, ऐसा नहीं, समझ रहे हो. और सर यहाँ पर डिसीज की कोई स्पेसिफिक है? नो. एक्सपेंडिचर ऑन एनी डिसीज, कोई भी डिसीज, ऊपर वाले में भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, एनी डिसीज. सॉरी. अच्छा जी, फर्दर इसके अंदर लिखा होगा तो वो होगा. एक्सपेंस इनकर्ड या फिर रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ हॉस्पिटल, ये कौन सा हॉस्पिटल है जो कि अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी दिखेगा. तो वो थोड़ा बहुत जब तुम रीड करोगे ना तो समझोगे. तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्स लिखा हुआ है. ये वाले नहीं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट में ना प्राइवेट भी हो सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर मैं गवर्नमेंट नहीं कह रहा, बेसिकली मान ले मेरा सपोज कर मैक्स हॉस्पिटल है, तो मेरे इतने प्रोटोकॉल्स हैं कि मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि आप मेरे को भी अप्रूव कर दो ना, समझ रहे हैं. हाँ, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये सारे इसमें होंगे. लेकिन होता क्या, जैसे छोटे छोटे नर्सिंग होम्स होते हैं, समझ रहे, हो सकता है वो अप्रूव ना हो, समझ रहे, उस एंगल से. तो यहाँ पर ज़रूर इट्स नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड है. और ये किसके एम्पैनल्ड है, ये सर इनकम टैक्स ने एम्पैनल्ड करा हुआ है. इन हॉस्पिटल में जाके तुम खर्चा अगर होता है तो हमें भरोसा है कि ये फर्जी बिल नहीं होगा, ये जेन्युइन केस होगा, समझ रहे हो. कोई भी हो, एनी हॉस्पिटल, ठीक है, इन एनी हॉस्पिटल, नहीं अभी लिख रहा हूँ मैं, इन एनी हॉस्पिटल. और एक कंडीशन और, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, थर्ड पॉइंट ही है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज. ओके, यानी कि बेटा जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है अगर छोटा मोटा है, मे बी अगर वो ऐसा आता नहीं है पेपर में, भाई लिखा हुआ है तुम्हें जज करना, पेपर में सिंपल ही आएगा स्पेसिफाइड डिसीज है और ये अप्रूव्ड वाले में जा रहा है, तो क्या होगा, इज एग्जेम्प्ट. क्यों जी, क्लियर है एकदम? अगर नहीं भी बोलेगा ना, ऐसे लिख दिया कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिकल, कोई भी लिख दिया, तो आप खुद से मत बोलना इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड डिसीज. हाँ बताइए, क्लियर है? यानी कि ये तीन केसेस हैं जिसमें अगर आपका केस इसमें से किसी में भी फॉल करता है तो जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल. सर मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में गया जो कि अप्रूव्ड नहीं है, वो अप्रूव्ड नहीं है और स्पेसिफिक डिसीज है सर, और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, क्या होगा भाई साहब? या तो गवर्नमेंट होना चाहिए या अप्रूव्ड होना चाहिए, समझ रहे हो. सर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, हो जाएगा? सर मैं अप्रूव्ड हॉस्पिटल में गया बट द डिसीज इज नॉट स्पेसिफाइड, टैक्सेबल, इट हैज टू बी कोई भी एनी डिसीज. और ऊपर वाला तो क्या है भाई साहब, अगर तुम जहाँ काम कर रहे हो वही हॉस्पिटल है तो जो भी खर्चा हो रहा है वो तुम्हारा एग्जाम. हाँ जी, एनी डिसीज है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बोलिए, क्लियर है?
हाँ हो सकता है, कह सकते। सर जी, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं? मतलब अगर एम्प्लॉई अगर एडमिट होता है तो कंपनी पैसा देती है? स्टार्टिंग में एम्प्लॉई ने दे दिया, उसके बाद कौन करेगा रिम्बर्स? एम्प्लॉयर देगा। एग्जैक्टली, हर एम्प्लॉई का इंश्योरेंस होता है बेटा। कंपनी का ये काम थोड़ा ना मैं देखती रहूँगी कि कौन एडमिट हो रहा है, उसका कितना क्लेम बनता है, क्या रूल है। आप मेरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं आपको इंश्योर करा दूँगी। उसके लिए हर साल का प्रीमियम, और ये कौन सी इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। दो इंश्योरेंस होते हैं, एक हेल्थ होती है, एक लाइफ होती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है कि आपको कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप इंश्योर्ड हो। तो बेसिकली मैं आपके नाम पे 40,000 की बढ़िया इंश्योरेंस ले रहा हूँ, साल का प्रीमियम है 40,000। अब जो भी खर्चा आपके ऊपर होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, कंपनी नहीं देती, समझ रहे हो? तो रियल सेंस में जब मैं जॉब कर रहा था तो वो एक इंश्योरेंस का पूरा वो मिलता है, किट मिलता है कि ये हॉस्पिटल से अगर आपको कुछ भी होता है इन हॉस्पिटल में जाना, ये हमारे जो इंश्योरेंस जिससे हमने कराया वो उसके एम्पैनल्ड है, ठीक है? तो बेसिकली हर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है। मेरा आपसे सवाल है, वो तो अब अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ठीक है? आप ये समझिए, आप मेरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपकी 40,000 रुपए की साल का प्रीमियम दे रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं दे सकता यार, इतने बड़े लेवल पे प्रोसेस होता है, मतलब वो ठीक होता है। कंपनी आपके लिए थोड़ा ना चेंज है, 1,000 एम्प्लॉई है, 10,000 एम्प्लॉई है, आपके कहने से थोड़ा ना मैं डील करूँगा। लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मतलब आप अपने हिसाब से कर लेना, समझ रहे? एक बहुत ही बड़े लेवल का एक प्रोसेस होता है, आप एक बहुत छोटा पार्ट होता है उसके, आपकी इंश्योरेंस है, दैट सेट, मतलब वो है। आपको अपनी इंश्योरेंस और करानी है, बाहर से करवा लो, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये समझना, आपके अगेंस्ट मैंने 40,000 रुपये साल का प्रीमियम पे करता हूँ, ठीक है जी? ये जो 40,000 का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ये बेनिफिट नहीं है क्या? आप ये समझिए, आपके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा जा रहा है, आपके नाम पर, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है, तुम्हारे नाम पे तुम्हारी सैलरी है 12,00,000 रुपये साल की है, लेकिन 40,000 रुपये का प्रीमियम और देता हूँ, तो 12,40,000 टेक्निकली, आप उसके अंदर अंदर मत सोचिए, 12,00,000 रुपये की महीने की सैलरी है तुम्हारी और साल का 40,000 का प्रीमियम है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 40,000 का प्रीमियम है बेनिफिट है कि नहीं है? बिल्कुल है। टैक्सेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सरकार इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है और सरकार कहती है कि अगर ये बेनिफिट है, मतलब ठीक है 40,000 का बेनिफिट जा रहा है, बट यू वॉन्ट टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस, लोगों की इंश्योरेंस होए, ठीक है, हर कोई अपनी इंश्योरेंस रखे, सबको ट्रीटमेंट मिले, तो बेस और इस सेक्टर को प्रमोशन भी मिलता है, तो सरकार ने एग्जेम्प्ट कराओ। एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में मिलेगी, हालांकि इस जगह पे नहीं मिलती है, पर मैं बोल रहा हूँ, अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होती है ना तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है बेटा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। मैडम आप डिडक्ट मान लो, आप चलो ठीक है, डिडक्ट का केस बना लो, आपकी सैलरी है 12,00,000 रुपए साल की, 40,000 का प्रीमियम आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 11,60,000। मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम बताओ, मुद्दे की बात है, वो 40,000 एग्जेम्प्ट है ना, क्लियर है? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये वाले केसेस हो गए सर जी। अब चलते हैं हम कि अगर डिसीज़ बहुत ही खतरनाक तो आउटसाइड इंडिया भी जाना पड़ सकता है। आउटसाइड इंडिया बेटा अगर जाएंगे तो कौन कौन से मोटे मोटे खर्चे होंगे? सबसे पहले कह सकता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद स्टे अब्रॉड,
वीज़ा का खर्चा वो इसमें नहीं आएगा, इतना ख्याल नहीं रख रही सरकार। और तीसरा है जी ट्रैवल एक्सपेंस। आप सोच के देखिए, एक एम्प्लॉई है वो बीमार है बहुत ज़्यादा और उसको बाहर जाना पड़ रहा है, वो अकेला चला जाएगा या उसके साथ कोई अटेंडेंट भी जाएगा? अटेंडेंट भी जाएगा। तो ये जो ट्रैवल का खर्चा है सिर्फ एक पेशेंट का होना चाहिए या उसके साथ अटेंडेंट का भी होना चाहिए? सो इट इज़ 1+1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय बीमार है उसके साथ 10 घर वाले निकल लिए उसके साथ, चलो बाहर घूम भी आएंगे, तुम इलाज करा लेना, हम तब तक ऑस्ट्रेलिया में घूम लेंगे। रहने का खर्चा पेशेंट प्लस अटेंडेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट कह रहा मैं तो खराब हुई, जिसको और किसी को बीमारी है साथ में वो साथ ही चल लो, डिपेंड करता है वो कि वो आ रहा है नहीं आ रहा, समझ रहा है? वो और गहरी बात है, दोनों की मिल जाएगी। सर अगर जैसे कि दो बीमार लोग और एक अटेंडेंस अलग से जा रहा तो उसका भी मिलेगा? दो बीमार है, दो बीमार और एक उसके साथ फिर जाएगा, एक बीमार दूसरे बीमार का ख्याल नहीं रख पाएगा। सॉरी 1+1 लिख दिया मैंने। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट तो किसका होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए? सर जी 50 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है सर, बाहर जाएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट है, 50 लाख का खर्चा। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना और ये जो स्टे अब्रॉड है, ये है एज पर दी लिमिट स्पेसिफाइड बाय RBI। सर जी बाहर गए, मेडिकल का खर्चा हुआ 40 लाख का और सर रहने का खर्चा हुआ 20 लाख का, टोटल खर्चा कितना हुआ बेटा? 60 लाख। और आप ये लगा लीजिए लिमिट, चलो मैं इंडिविजुअली बोल देता हूँ, इसकी लिमिट है 30 लाख, इसकी लिमिट है 5 लाख, कितने रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी? 35 लाख। ए भाई देखो, कंपनी ने तुम्हारे ऊपर खर्चा कितना करा? 60 लाख का। इंडिविजुअल कर लेते हैं, कंपनी ने मेडिकल पे कितना खर्चा करा? 40 लाख का। मेडिकल का कितना खर्चा हुआ कंपनी ने? 40 लाख। लेकिन तुम्हें कितने की एग्जेम्पशन मिल सकती है? 30 लाख। और ये लिमिट कोई फिक्स नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है, कौन सी कंट्री, कौन सा डिसीज, क्या सिचुएशन है। पेपर में आपको लिमिट दी हो और ये RBI डिसाइड कर रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है तो इसलिए RBI डिसाइड करता है, ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विद इनकम टैक्स, बट आपको लिमिट एज पर दी RBI ही लिखना। लिमिट दी होगी क्वेश्चन में, लिमिट दी होगी आपको, ठीक है जी। तो मेरे को बताइए टैक्सेबल कितना हो जाएगा इस एम्प्लॉय के लिए? अभी पहला केस मेडिकल ट्रीटमेंट था, 10 लाख, बिकॉज आई एम गेटिंग 40 लाख फ्रॉम माई एम्प्लॉयर एंड 30 लाख इज एग्जेम्प्ट, 10 लाख वुड बी टैक्सेबल। और इस केस में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना बात? एग्जाम्पल है, ट्रैवल एक्सपेंस में एक्चुअल था नहीं है, 20 लाख वाली 5 लाख क्या बोल रहा है, फिर से बोल। 30 लाख और 5 लाख एक्चुअल है या फिर एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है, ये कोई लॉ के लिमिट्स नहीं है, ठीक है जी। ट्रैवल एक्सपेंस जो है बेटे, सरकार ने बहुत फेवर करा है बेटा, सरकार का थैंक यू करना चाहिए हमेशा। सरकार ने बोला है फुल्ली एक्सेम्प्ट ट्रैवल के ऊपर, जो भी आपका खर्चा होगा 10 लाख 20 लाख जो मर्जी फ्लाइट कर लो, सारा का सारा खर्चा जो कंपनी देगी वो क्या हो जाएगा बेटा? बस एक छोटी सी कंडीशन है, इफ GTI इज अप टू आपके, वो कह रहा है अगर तुम्हारी GTI इस अमाउंट तक है ना तो सब एग्जाम, लेकिन अगर GTI एक्सीड हो गई तो कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, फुल टैक्सेबल ट्रैवल वाला जो है फुली टैक्सेबल। आप सोच के बताइए, आप सरकार के इंसान हैं, कितना अमाउंट होना चाहिए GTI का? मतलब बंदा बाहर जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए है ना,
कितना 5 लाख टू लैक्स ओनली जाएगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक इंसान 20,000 भी कमाता है तो उसकी सैलरी की बात नहीं कर रहा मैं, GTA की बात कर सकता हूँ, हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी भी हो, कुछ और भी हो, और सैलरी ले लो सिर्फ अभी तो, अगर वो 20,000 कमाता है तो साल का कितना होगा 240, तो उसकी GTA 2 लाख से ऊपर हो गई, और अगर 2 लाख से ऊपर हो गई तो पहला सवाल तो तेरे को भेजेगा ही कौन बाहर, लेकिन अगर किसी ने भेज भी दिया तो टैक्सेबल होगा, ट्रैवल एक्सपेंस पूरा का पूरा टैक्स। दोनों का रिटायर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो सरकार लिमिट ऐसी रखती है जो सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए काम आए, प्रैक्टिकली तो कोई काम ही नहीं आएगी। तभी तो कहता हूँ केजरीवाल जी को वोट करो, फ्री का इलाज देने को तैयार है वो। मुझे बताइए बेटा, देखना गुजरात में आ जाएगा केजरीवाल, बहुत क्लोज होगा मेरे हिसाब से। यार बहुत साल हो गए यार बीजेपी को, बहुत साल हो गए, लोगों को चेंज चाहिए होता है, वो फैक्टर है। हाँ ठीक है, मतलब मोदी जी के आगे नहीं है, पर टेक्निकली मोदी जी गुजरात में नहीं है ना, मतलब आप कंपेयर हमेशा मोदी विद एवरीवन हो रहा होता है, वो नहीं है ना ग्राउंड रियलिटी। मेरे पास भी एक फोटो एयर ड्रॉप की, ठीक है आइए यहाँ तक क्लियर है। तो सर जी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छे से समझा है, एक क्वेश्चन करेंगे अभी। गिरीश ओझा सर की बुक तो सारे बच्चे ले ही आए होंगे, जो नहीं लाया बेटे घर निकल लो, सारे ही मत चले जाएंगे ये तो। ऑफलाइन ही ले लो यार, जाके थोड़ा फील भी आती है, और प्लस उधर तुम्हें पता लग जाएगा लेटेस्ट क्या है, उनसे बात करोगे। ये वाला अब इसमें मैंने क्या बताना है, और मेडिकल परक्विजिट हो गया है, क्वेश्चन कराना है, पहले बोल दूं सर नीचे करने। चलो मेरे को ना एक चीज़ ना बोलनी है वैसे, पहले एक चीज़ बोली जाती थी पर वो चेंज अब हट गई है, पर वो बोलना ज़रूरी है। गुस्सा क्यों हो रहा है, सॉरी रेड पेन से भी लिख रहा है, ब्लू से भी लिख रहा है, ब्लैक से भी लिख रहा है, फिर कहता है समझ नहीं आ रहा, तो पेन इतने यूज करेगा तो यही होगा ना। हाँ जी वही पॉइंट बता, वो बंद हो गया। ट्रैवल एक्सपेंस फुली टैक्स, एक का ब्रो जो एम्प्लॉई है उसका, जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहे हो ना, एक एम्प्लॉई है उसको बेनिफिट, तो एम्प्लॉई की दोनों का मैडम, दोनों क्या कह रहे हो, आउटसाइड इंडिया हो सकता है, दो हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अब यहीं पे ही, मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे लिख दो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई प्लस फैमिली मेंबर, आपको पता है एक ना, आपको पता है सैलरी के अंदर ग्रॉस सैलरी के बाद हम कुछ माइनस करते हैं, कितने रुपए की पहले नहीं होती थी वो, अब जब सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी ना, तो सरकार ने ना कुछ बेनिफिट, देखो सरकार तो ये दिखा रही थी ना, देखो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, हर आम इंसान को क्या लगा सरकार कितनी अच्छी है, लेकिन बैकएंड से उसने दो बेनिफिट हटा दिए थे। पहला बेनिफिट आपको करा चुका हूँ, कौन सा था,
क्या रे बोलो, 4 बजे तक आ जाएगा आंसर। जब तक मैं पूछता नहीं तब तक तुम सुनते नहीं, मतलब इसका मतलब। अब जब पूछ लिया तो सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है 50,000 रुपये की, सरकार ने बेनिफिट दिया तो सरकार ने बेनिफिट छीने भी थे। अलाउंस में एक बेनिफिट बताया था, वो छीन लिया था। कौन सा अलाउंस था वो तो अभी भी है मैडम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लोज था। ट्रांस याद है 1800 पर मंथ अपनी मिलती थी, लेकिन हैंडीकैप को 3200 पे भी मिल रही थी, 1600 पर मंथ थी सॉरी जो हट गई थी, और 3200 पर मंथ पर अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय तो उसको मिलती थी। पहले के ज़माने में मतलब 3-4 साल पहले एक बेनिफिट और होता था, मेडिकल परकजट में ही होता था। यहाँ पर ना कहीं पर भी ना वो छोटे मोटे खर्चे नहीं है। अगर आप देखोगे अगर जनरली मैं बोलूँ आपको कहाँ जाना पड़ेगा एग्जेम्पशन के लिए, हॉस्पिटल। यहाँ पर भी क्या है, हॉस्पिटल और स्पेसिफिक डिसीज़। और यार अगर नौकरी कर रहे हो तो भी तो हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है ना, मतलब ब्रॉडर खर्चा। लेकिन लोगों का छोटा मोटा खर्चा होता ही नहीं होता, क्रोसिन पैरासिटामोल डिकोल्ड होता ही नहीं होता। सरकार ने ये बोला था कि अगर एम्प्लॉय का कुछ केमिस्ट का खर्चा होता है ना, केमिस्ट का मतलब ये नहीं है आपने परफ्यूम खरीद लिया, ठीक है। जब मैं कंपनी में जॉब कर रहा था तो हम लोग उस टाइम पे ये था प्रोविजन, तो लोग ना टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब की भी एग्जेम्पशन मांगने लग जाते थे। ऐसा नहीं होता, मेडिकल चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी, बिल के साथ, बिल हैज़ टू बी देयर। तो एम्प्लॉई अगर अपना कुछ खर्चा करता है डे टू डे का, और इसके ऊपर ना कोई लिस्ट नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर स्टीमर खरीद लिया, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है स्टीमर, आपके हिसाब से डे टू डे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? डे टू डे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, डिपेंड करता, मेरे हिसाब से आ सकता, ठीक है, मेरे हिसाब से आ सकता। तो आप एक चीज़ समझिए, एम्प्लॉई साल का ना 15,000 रुपये का खर्चा रिम्बर्स करा सकता था। मतलब तुम्हारी सैलरी है 12 लाख रुपये, मैंने बोला देख भाई 15,000 का तेरा और खर्चा होगा ना अगर, तो मेरे को बिल दे दूँ तो 15 और दे दूँगा। नहीं मैडम, ये अलाउंस नहीं है, मैं आपको पर मंथ नहीं दे रहा हूँ, और मैं अलाउंस के नाम से ही नहीं दे रहा हूँ। टेक्निकली मैं आपको अलाउंस 10,000 ऐसे ही दे रहा हूँ, उसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बिल्स दो, समझ रहे हो? हाँ नहीं, अब नहीं है, ठीक है, हाँ अभी नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं होता, पर कंपनीज के एंगल से कह रहे हो? नहीं अभी नहीं होता, वो तो बिल्स होंगे उनके, ये वाले होंगे उनके। अच्छा चल ठीक है, तू ये कह रहा है ना कंपनी दे देगी, मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ ना, इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं दे रही, समझ रहे? स्क्रीन अटक गई है। हाँ कंपनी रिम्बर्स कर रही है, कंपनी आपका मेडिकल का खर्चा 1 लाख होता है, मैं 5 लाख दे दूं आपको, ठीक है। लेकिन ₹15,000 लिमिट है। एक बार मैं बताता हूँ, एम्प्लॉय का कुछ खर्चा हुआ, और मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ जैसे डॉक्टर के पास गए तो उसकी कंसल्टेंसी होती है, उसके बाद कुछ मेडिसिंस होती हैं, तो उसका साल का 15,000 का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर ने इसको रिम्बर्स कर दिया 15,000 रुपये। मेरा आपसे सवाल है, ये 15,000 जो इसको मिले हैं ये पहले क्या होते थे? एग्जाम्प्ट। आज के टाइम पर ये एग्जाम नहीं है, आज के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे? फैमिली मेंबर पर भी एप्लीकेबल है। अभी हम फैमिली मेंबर पे जाने वाले हैं, कौन कौन है फैमिली मेंबर मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये लिख लो,
ठीक रहे। आई एम सॉरी, मैं बता रहा हूँ नाउ दिस 15,000 इज टैक्सेबल। गिरीश अहूजा सर की बुक है किसी के पास? जिन्होंने खरीद ली वो लाते नहीं। ये क्या लॉजिक हुआ यार? जिम जाते हो वैसे? जाया करो। भारी भूख लगने लग गई यार, इतने कमजोर बच्चे। समोसे खिलाऊंगा, मैं एनर्जी आया तुम्हें। तुमसे भारी बैग तो इनाया लेके जाती है। नहीं, वैन आती है घर के बाहर। क्या कह रहा है? क्या दोस्त? नाउ दिस 15,000 इज टैक्सेबल। कंसल्टेंसी? मेडिसिन। फिर वो दिखेगा नहीं पीछे तक। इतने अच्छे नोट्स बनाकर देता हूँ यार, तुम कभी तारीफ नहीं करते। किधर करूँ भाई? बोलूँ आगे? लास्ट बर्थडे, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फैमिली का मेंबर। फैमिली की डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो एम्प्लॉय के स्पाउस, प्लस चिल्ड्रन, लिमिट नहीं है। स्पाउस में भी लिमिट नहीं है? स्पाउस में लिमिट है, ठीक है। स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, और इसके बाद पेरेंट्स, इसमें भी लिमिट नहीं है। पेरेंट्स प्लस ब्रदर्स, सिबलिंग्स कहते हैं सर। पेरेंट्स प्लस ब्रदर प्लस सिस्टर, और ये जो है ना पेरेंट्स, नहीं ये पेरेंट्स के ब्रदर नहीं है। हाँ मतलब यार ऐसे, यार एग्जाम में सिबलिंग मत लिखना, मतलब जो लैंग्वेज होती है ना वैसी होता है, ठीक है। मतलब ठीक है, वो चीज है। ब्रदर ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, सिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, पेरेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, ये वो होने चाहिए जो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय है। बेटा अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपकी कंपनी हो सकता है आपको पैसा दे दे, लेकिन टैक्स का बेनिफिट निकलेगा।
ठीक है, नहीं मैं तो स्पाउस हूँ ना, स्पाउस और चिल्ड्रन में नहीं है कुछ। स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, हाँ जो चिल्ड्रन है नहीं एग्जेम्प्ट है, मतलब ये फैमिली मेंबर में आ रहे हैं, और चिल्ड्रन चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। क्या वाइफ का नहीं है, वाइफ दोबारा मैरिड थोड़ा ना हुआ है। चिल्ड्रन नहीं, नहीं इतना लंबा नहीं है चिल्ड्रन। लॉस इतना थोड़ा है यार, इतना नहीं है, यहीं तक ही। तेरे को इन लॉस की चिंता पड़ गई अभी से। अब मैं एक बार समझाता हूँ ये। स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे इंडिपेंडेंट होता है, खुद से कमा रहे, ठीक है, तो भी आपकी फैमिली की डेफिनेशन में आ रहे हैं, यानी कि एग्जेम्पशन, यानी कि आपकी फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो आ रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर सिर्फ आपकी फैमिली की डेफिनेशन में तब आएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो। इफ पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर आर इंडिपेंडेंट तो वो आपकी फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, और अगर जो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो एग्जेम्पशन का है बात की। जैसे कि पेपर में आता है कि एक एम्प्लॉई है, उसने अपने ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करवाया और वो ये लिखेगा इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, आपको लगेगा यस मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, बट अ ग्रैंडफादर एंड क्वेश्चन इज वेरी वेल केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मतलब ऐसा मत सोचा। हाँ नहीं है ही नहीं ना, यहाँ पर डेफिनेशन में ही नहीं है, बताइए क्लियर है आपको? अब आप एकदम सेटल्ड वे में समझ जाओगे इसको। तो आपका मैरिज सिस्टम नहीं आएगी ना? क्या मैडम? मैरिज, हाँ अगर वो इसका मतलब टेक्निकली वो डिपेंडेंट नहीं होंगी ना अगर मैरिड हो गई तो। और जो पेरेंट्स हैं अगर उनके दो बेटे हैं या बेटी जो भी है, मतलब अगर वो किसी एक पे डिपेंडेंट है तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, आप बेसिकली इतना केस ना, मतलब जैसे एग्जाम के एंगल से आप बोल तो ठीक है, प्रैक्टिकली कोई ऐसे देखता नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है अगर मैं एम्प्लॉई हूँ और अगर मैं ये दिखा दूँ भाई मेरे पेरेंट्स के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, वो ये देखने थोड़ा ना आएगा कि उनको पैसा दे कौन रहा है, ये वो इतना नहीं जाती बात, समझ रहे हो? एक लेवल तक ही आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते। तो सर जी हमारा, हाँ ईजी, 1 बजे तक है ना वाली क्लास? 12 बजे तक है, मेरे को इसने मैसेज करा था, मैं रास्ते में था, मैंने यू टर्न मार के घर गया हूँ मैं। तेरा दिमाग तो सही था ना? एग्जैक्ट आया था 10 बजे, एग्जैक्ट ही आता, तो एकदम नंबर भी एग्जैक्ट ही होता है एकदम। ठीक है अगला आते हैं। ये सोच कर आया था पहले, जब बोलेंगे ना ये करूँगा, मैं भी सोच कराऊंगा अगली बार। चलिए अब ना मैं तुम्हें ना पहले ना टाइप ऑफ एम्प्लॉय बताता हूँ, क्योंकि उससे फिर आगे का रिलेशन है। बेटे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं बेटे। एक कौन से होते हैं? रोज दिहाड़ी वाले, हाँ, और दूसरे नहीं वो नहीं है। एक एम्प्लॉय होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय होता है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।
दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। सर क्या ज़रूरत है बाइफर्केट करने की? ज़रूरत है, पर उससे पहले आप ये सीख लो कि होता क्या है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, अगर उसने इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी ना, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉई हो और अगर आप डायरेक्टर हो ऑफ कंपनी, तो आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। आप चाहे फुल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, आप चाहे साल में दो दिन डायरेक्टर रहे हो, ये सारी बातें जब आप रीड करोगे तो आएगा। चलो छोटा मोटा यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा इतना एनालिसिस इतना नहीं आता, वैसे ही बोल रहा हूँ। फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का इंप्रेशन क्या जा रहा है? सर बड़ा आदमी है सर, डायरेक्टर है सर, समझ रहे हो? दूसरा क्या है, यानी कि इफ द एम्प्लॉय इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। दूसरी बात, इफ एम्प्लॉई होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, हाँ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मालूम है बताया क्या होता है? दैट इज 20% और अबव इन इक्विटी शेयर्स। या फिर सर अगर कोई फर्म हो तो भाई, एक फर्म के अंदर भी तो 100 एम्प्लॉई हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उसका या तो इक्विटी शेयर में हो या फिर प्रॉफिट में हो। तो आप ये समझते हो ना, इक्विटी शेयर तो कंपनी के ही होते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर की बात करो, बिल्कुल नहीं कर रहा प्रेफरेंस शेयर की बात। जो जेन्युइन प्रॉफिट के अंदर मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, और अगर फर्म है HUF है तो बेसिकली ये तो हो गया कंपनी के एंगल से, और ये हो गया अदर ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से कि अगर जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ वो कंपनी नहीं है, वो एक फर्म है। और डायरेक्टर अगर फर्म का हो तो मिलेगी? फर्म के डायरेक्टर्स होते नहीं है, आप नाम से दे दो बट लीगल वो कुछ नहीं होता। हाँ अगर मैं फर्म में अभी मैंने कार्ड में लिखा हुआ है डायरेक्टर, तो ऐसे थोड़ा ना होता है, तो कुछ भी लिखवा लो। हाँ जी मैडम। नहीं मैडम, एम्प्लॉई है मैडम। पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सब जगह रिलेटिव आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे बताइए पहले दो केसेस देख के आपको क्या लग रहा है, ये बड़े इंसान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आपने कंपनी ज्वाइन करी, मान लो मैं एयरटेल में ज्वाइन करा था मैंने, क्या मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉई था? मैंने एज मैनेजर ज्वाइन करा था तो मैं तो डायरेक्टर नहीं था, हालांकि एबिलिटी तो पूरी थी मेरे अंदर, ठीक है। और दूसरा, मेरे पास बेटा 20% शेयर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने सारा पैसा MRF में लगा लिया था, क्यों यही है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय था, क्योंकि सर तीसरी कंडीशन है, इफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई एक्सीड्स, कितने रुपए होगी? मैं स्पेसिफाइड था उस हिसाब से बोलना, 1,00,000 मत बोलना कभी भी। इसकी है 50,000 रुपए। हाँ सच है, सच है ये। हाँ 5,000 वाला भी आ जाएगा, 5,000 अगर कोई इंसान 5,000 भी कमाता है तो साल का 60,000 कमाता है। हाँ कोई भी नहीं बचा, बस वो तो भाई है फॉर्मेलिटी है, एग्जाम के लिए प्रोविजन है बेटा ये। हाँ ठीक है, तो सारे के सारे क्या होते हैं जी? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन ये सैलरी का क्या मतलब है ये समझ, और मैं यहाँ पे आपकी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या नहीं।
आप इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं आपकी सैलरी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल ली. अभी हम लोग क्या जज कर रहे हैं, वेदर यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉट. यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ योर सैलरी एक्सीड्स 50,000. और वो कैसे निकलेगी? बेसिक डीए, पूरा पूरा डीए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुली लिख देता हूँ. सर अगर कुछ लिखा तो फुली बात है. हाँ, कुछ लिखा तो फीस काय बात की फीस है बेटे, ऐसे कोई भी किसी भी नाम से हो रही है. बोनस, कमीशन. सर कौन सी कमीशन? अरे बेटे कोई भी कमीशन, ध्यान से देखिएगा आगे. टैक्सेबल अलाउंसेस, ओके, यानी कि जितने भी तुम्हारे अलाउंसेस हैं, पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा. अगर चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा है तो उसमें से एग्जेम्पशन हटा के फिर ऐड करी जाएगी, फिर देखा जाएगा 50,000 से बढ़ रहा है. सर परक्विजिट्स आएंगे, बेटा परक्विजिट्स आएंगे बट मॉनिटरी बेनिफिट्स वाले आएंगे, जो मॉनिटरी पेमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख लो, आप समझ जाओगे. मॉनिटरी पेमेंट्स ऑफ परक्विजिट्स. सर इसका क्या मतलब हुआ सर? हाँ दोस्त, क्या कह रहा है? बेसिकली कैश में, जो कैश में हो रहा है. ठीक है ना, मॉनिटरी पेमेंट्स. सर इससे क्या आ जाएगा हमारा? अच्छा सर रिटायरमेंट बेनिफिट बिल्कुल आएंगे भाई. कोई अच्छा एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट भी लिख दो इसके अलावा. तुम्हें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से पैसा दे रहा हूँ मैं. ठीक है, एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट. मेरा फोकस ना मॉनिटरी पेमेंट पर है. मॉनिटरी पेमेंट कही है. तो क्या चीज़ नहीं आई? एक छोटी टेक्निकली ना बेनिफिट्स नहीं आए बेटा. बेनिफिट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड. बेनिफिट समझते हो? आरएफए. तुम मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, उधर घर है, रहना शुरू कर दो, कोई पैसा नहीं ले रहा तुमसे, दैट्स बेनिफिट. नहीं एग्जैक्टली कैश में नहीं है. तुम्हारे घर पर मैंने एसी, टीवी, फ्रिज लगवा दिया है, एसेट यूज करने को दे दिया है, तुमको एसेट मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तुमको पैसे में बेनिफिट दे रहा हूँ क्या? नहीं दे रहा ना. तो बेसिकली ये सारे काइंड में जो जा रहे हैं वो मैं नहीं लूंगा भाई साहब, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट पेचीदार है. हाँ जी क्या कह रहे हैं दोस्त? यार वो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के कुछ कैश में पेमेंट कर रहा हूँ ना तेरे को तो वो आगे. अगर बेनिफिट कैश में तो मैं लूंगा. इफ इट इज इन कैश आई एम गिविंग यू समथिंग इन कैश. जैसे अभी अभी आपने करा मेडिकल परक्विजिट, ठीक है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ले भाई इलाज करा ले, आएगा वो, समझ रहे हो? देखो अब मेरे को इसके ऊपर भी बात करनी है. चलो अभी आप इतना ही समझो, मेरे को पूरा बेनिफिट का मतलब क्या होता है बताना है तुम्हें. तो तुम्हारा हिसाब से ये जो भी आएगा इसमें से बेटा क्या माइनस हो जाएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स हमने करना है, दो मिनट का कर लेंगे. अगर ये अमाउंट इफ इट एक्सीड्स 50,000 तो एम्प्लॉई इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. इफ इट डज नॉट एक्सीड 50,000. अच्छा एक बात बताओ, अगर डॉट 50,000 है तो नहीं होगा. हाँ समझ रहे हो? इफ इट डज नॉट एक्सीड एम्प्लॉई इज नॉन स्पेसिफाइड. हाँ लेकिन पेपर में तो एनालिसिस के पर्पस से आ सकता है. कहिए साहब. तो बेसिक वेज भी 13,000 कुछ है. हाँ एग्जैक्टली, मतलब सब स्पेसिफाइड ही. बताइए क्लियर है? नोट कर लिया? बहुत डिटेल बता दिया बेटा, आराम से हो जाएगा तुम्हारा. ये क्या हुआ भाई, यहाँ तक समझ आ गया एकदम? देखेंगे अभी.
पहले बच्चे नोट कर लें। वो लिखना पड़ता, समझा रहा हूँ ना अभी। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, इफ एम्प्लॉई इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई इज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, प्लीज फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और पेपर में भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म भी लिखवा दो, ये कंडीशन है। हाँ खत्म, रेड पेन से लिखियो। जो उसमें नहीं आया वो इसमें आया। एग्जाम्पल, अगर आपकी नौकरी लगी और आपकी साल की सैलरी है 40,000, डायरेक्टर तो तुम बनने से रहे। अगर तेरी साल की सैलरी 40,000 है, अगर तेरे को प्रैक्टिकल देखना है तो इधर एम्प्लॉय हो जा। अगर कोई भी नॉन स्पेसिफाइड बनना चाहता है बेटे, ऑफर इज ओपन। नमित जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लिखवाया था ना, देख, अदर ऑर्गेनाइजेशन का फर्म रजिस्टर। तू बस हाँ, तू हाँ कर जॉब के लिए, अभी अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा तेरे को और हेडिंग लिखा होगा नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। खुद ही दिखा, चलिए क्लियर है बच्चे? म्यूजिक सर लिख लिया ना? यस सर। जल्दी जल्दी लिखो रे, 12 बजे अभी यार, 11:30 हुआ अभी। यार मुझे बहुत सारा कराना है अभी, मैं टाइम पर आ रहा था फिर मैंने यू टर्न ले लिया बेटे। अब मुद्दे की बात ये है कि सर परक्विजिट्स ना दो टाइप के होते हैं, एम्प्लॉय भी दो टाइप के होते हैं, परक्विजिट भी दो टाइप। वो टाइप्स नहीं होता ना। कह रहे इतने सारे कर लिए, अब दो टाइप थे। ये आपने जितने भी करे हैं ना उसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ कि ये इस टाइप में आ जाएगा या ये इस टाइप में। परक्विजिट या तो काइंड में होते हैं या आप इसको कह सकते हो बेनिफिट्स होते हैं, या फिर रिएम्बर्समेंट्स होती हैं, या फिर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। सर ये क्या होता है सर? ये क्या होता है वो छोड़ो ना तुम। अगर तुम्हारा परक्विजिट काइंड की कैटेगरी में आ रहा है, इट इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, और जो रिएम्बर्समेंट्स, अगर आपका परक्विजिट का नेचर रिएम्बर्समेंट या मॉनिटरी है ना, ये होता क्या मैंने नहीं बताया आपको, बट इफ इट इज ऑफ दिस नेचर
इट इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड ठीक है। अब सर जी अब समझना रिम्बर्समेंट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, रिम्बर्समेंट क्या होता है और मॉनिटर क्या होता है। आपकी जॉब लगी और जब आपने फर्स्ट डे जॉब कर लिया, जब आप घर पहुंचे तो आपके घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने आपको सैल्यूट करा। सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर सब खड़े थे और आपने हायर करा क्या उनको? कंपनी ने बोला आपने हमारा नौकरी करी ना, बहुत बड़े इंसान हो, आपको सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन ये सब दिया जाएगा, आपके घर में एसी, टीवी, फ्रिज ये भी लगा दिया। मुझे बताओ, आप मुझे बता दो अपनी सोच से, ये काइंड है? काइंड बेनिफिट एक ही बात होती है, ठीक है, या ये रिम्बर्समेंट या मॉनिटरी ऑब्लिगेशन? ये बेनिफिट है। अगर एक महीने बाद उसको सैलरी नहीं मिली तो वो तुमसे मांगेगा सैलरी? ना तुमने उसको हायर करा ना वो तुमसे पैसे मांगेगा। तुम्हारे को अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ और अगर वो उसके ऊपर खर्चा जो है मैं ही कर रहा हूँ, सो दैट इज़ अ बेनिफिट, आरएफए एक बेनिफिट होता है, समझ रहे हो? दूसरा सिनेरियो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किसके नाम पर आता है? आपके नाम पे, आपके पेरेंट्स के नाम पर आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसको पहले पे कर दो, मैं कंपनी हूँ, यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप मुझे पेमेंट रिसिप्ट दिखा दो, आई विल रिम्बर्स यू। ये कौन सा केस हुआ? रिम्बर्समेंट, दैट्स रिम्बर्समेंट। तुम्हारा कुछ खर्चा पहले पे करो, मेरे से रिम्बर्समेंट। ये बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, मतलब बेनिफिट इन द सेंस, अब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाऊं तो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, दीज आर रिम्बर्समेंट। और एक होता है तुम्हारा जो बिजली का बिल आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ वो तुम्हारे नाम पर आ रहा है? सो दैट्स अ मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट्स योर ऑब्लिगेशन। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे बस बिल पकड़ा दे, मैं पे कर देता हूँ। हाँ, हो सकता है, बट एक बार पहले पकड़ लो बात को। एक बात बताओ, देखो इस वाले केस में क्या बोल रहा हूँ भाई, तेरे पास जैसे बिल आया ना मेरे को बिल दे दे, मैं पे कर दूंगा। कहने से दैट्स द मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई, दैट इज डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। और रिम्बर्समेंट में क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पे कर दे भाई, देन आई विल पे, वो रिम्बर्समेंट। और काइंड क्या होता है जिसमें, चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सोच के बताना। मैंने तुमको आरएफए दिया, उसे बिजली का बिल आया, तुमने महीना काम करा, मतलब घर जा रहे हो, बिजली का बिल आया 15,000 का, किसके नाम पर आएगा आरएफए? आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसके नाम पर आएगा? एम्प्लॉयर के नाम पर आएगा। एम्प्लॉयर के नाम पर आया और मैंने पे कर दिया। किसने? एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर हैज पेड इट। क्या आपको ये लग रहा है, इज इट अ मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय? ओ भाई तुम्हारे नाम पर बिल भी नहीं है, काय बात की तुम्हारी ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन वो होती है जब कोई बंदा तुमको बोले हमें पैसे दे दो, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर बिल में ही तुम्हारा नाम नहीं है और अगर मैं डायरेक्ट पे कर रहा हूँ, दैट्स काइंड। लेकिन अगर बिल में तुम्हारा नाम है, दैट्स योर ऑब्लिगेशन। और अगर मैं तुम बिल दे दो मुझे, मैं पे कर दूंगा, दैट्स मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉय। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ बिल तुम्हारे नाम पे, पेमेंट भी कर दे भाई और उसके बाद मैं दे दूंगा, समझ रहे हो? आज क्यों जी, समझ आया आपको क्या बोला मैंने? तो बेसिकली
अगर काइंड एग्जांपल क्या होगा ये, जैसे अगर मैं इसमें सीधा सीधा बोल दूँ तो आरएफए, हालांकि मैं पे आरएफए एक बार लिखूंगा नहीं अभी क्योंकि आरएफए के ऊपर एक अलग बात आ जाती है। आरएफए एक ऐसा बेनिफिट है जो दोनों के लिए टैक्सेबल होता है, मतलब एक नोट लिख लेते चलो स्पेसिफाइड और उसका, ऑल्दो आरएफए इज अ परक्विजिट इन काइंड बट इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं आरएफए इज ऑल्दो अ बेनिफिट, या फिर आप कह सकते हो काइंड, इट इज इन काइंड बट इट विल बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। बताओ बच्चे क्लियर है? अच्छा अब अगर आपको क्लियर है ना तो मैं एक केस देता हूं, वॉचमैन आपका है उसको सैलरी आप ही दोगे, मैं बाद में आपको दे दूंगा पैसा रिम्बर्समेंट, वॉचमैन आपका बट आई विल पे हिम मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई डिस्चार्ज बाय, और अगर वॉचमैन ही मेरा तो क्योंकि तुम्हारे कोई झमेला ही नहीं है ना उसमें, उसको नौ अगर पैसा नहीं मिलेगा वो आपको नहीं बोल सकता, मैं बोले भाई मैंने रखा ही नहीं भाई तेरे को, मेरे से कहाँ पैसे मांग रहे हो, जब तुम रखोगे किसी को अपॉइंट करोगे वो मांगेगा ना आपसे पैसा, बताइए क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर जी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, क्या कर लिया हमने, हाँ स्वीपर गार्डनर वॉचमैन, इसको लिख लो हेडिंग लिख लो, मैं यहीं पे ही लिखवा दूंगा छोटा सा, आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख लेना। कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन शॉप का मैं डॉग का बताऊंगा, कैट का पूछेगा फिर वो कोई रैट बोलेगा रैबिट बोलेगा, डॉग सर एग्जैक्ट है, डॉग बहुत स्पेशल है, आपको किधर रहता है जैसे कौन आएगा, हो सकता है आज आज कुछ भी यार, तुमको कोई भी इंसान में दे रहा हूँ तुमको, ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हारे घर के बाहर प्लम्बर रख दिया परमानेंटली, इलेक्ट्रीशियन रख दिया, ठीक है जो भी खर्चा मैं कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन के थ्रू पता लगेगा मेरे हिसाब से होगा, होगा लीगली अगर है तो मेरे को बताइए क्या
बात तो तू सही कह, आज तू एक बार स्टेटस डालियो, बच्चा तो बच्चा होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप एक एम्प्लॉई हो और अगर आपके घर में मैंने स्वीपर गार्डनर वॉचमैन लगाया एंड इफ दैट्स अ बेनिफिट, पैसा सारा मैं दूंगा उसे, आपके हिसाब से क्या टैक्सेबल होगा जो भी खर्चा हो रहा है? देखो पहले तो सिंपल सी बात समझो, चाहे मैं दूँ चाहे तुम दे रहे हो, मैं रिम्बर्स करूँ, मुद्दे की बात क्या है, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वही तो टैक्सेबल करूँगा ना। तो बस यही लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। भाई एक वॉचमैन रखा है, उसकी 10,000 रुपये की सैलरी है, मैं हर महीना उसे 10,000 दे देता हूँ, तुम्हारे हैंड्स में कितना टैक्सेबल हो जाएगा 10,000 महीने का? क्या मैडम एग्जाम नहीं है कुछ भी, नो एग्जेम्पशन। और अगर तुमने रखा है तुम उसको पे कर रहे हो, मैं तुम्हें रिम्बर्स कर रहा हूँ, भाई जितना भी रिम्बर्स करूँगा जो भी मेरा खर्चा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर लिख देता हूँ पूरा, विल बी टैक्सेबल। और यहाँ पर भी सेम है बेटा, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। सेटल्ड है बात? खत्म हो गया पर कैसे, ठीक है। मुद्दे की बात ये थी, कोई भी बंदा रखा है उसके ऊपर कुछ खर्चा हो रहा है तो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस एक्सेट्रा, हाँ काइंड ऑफ सेम है, बट थोड़ा सा इसमें अलग एक चीज बोलनी होती है तो वो बोलूंगा। बट इफ दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हाँ जी, देख घर आपका है और सिक्योरिटी गार्ड तो कंपनी ने दिया ना, तो भाई पैसा उसको दे रही होगी तो बेनिफिट तो है, ठीक है। अब मैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस में ये बोल रहा हूँ, आपको पता है जब जैसे क्या होता है जनरली आप ऐसी कंपनीज में होते हैं ना जो यही प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ना आपके घर में वो चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता है। जैसे जब मैं एयरटेल में था ना तो क्या होता था, हाँ मोबाइल रिचार्ज जो होता था, उसके बाद और क्या होता है पोस्टपेड, हाँ डोंगल भी मिलता था, और जो टीवी का टाटा एयरटेल D2H जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, DTH। आजकल तुम्हारे घर में वो लगा या फायर स्टिक लगा हुआ, कितने के फायर स्टिक लगा, चेंज हो गए सारे स्विच हो गए, तुम्हारा भी फायर भैया फायर स्टिक, हाँ हाँ क्या चल जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है। सो बेसिकली आप सपोज करो आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हो, ठीक है, मान लो BSES में हो, ठीक है, तो आपके घर में जो बिजली आ रही है कंपनी ने बोला है फ्री है भाई, क्यों, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि ये जो रिसोर्सेज है ना ये तो एम्प्लॉयर ही इज मालिक, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, और ये तीन चीज़ों पर ही है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी और गैस। अब लिख देता हूँ मैं वो बस ऐसे ही, चलो पेपर में यही आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा, लेकिन इस आइडियोलॉजी से आगे वाईफाई और ये सब भी आ सकता है, ठीक है, बट पेपर में नहीं आता ऐसे, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो क्या चीज़ टैक्सेबल होगी, क्या अगर एम्प्लॉयर ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मेरे इधर ही जनरेट हो रहा है वो बिजली, मेरे इधर जनरेट हो रही है, मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कुछ टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और वो क्या टैक्सेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है बेटा ये,
ऐसा नहीं है कि इतने यूनिट का स्टैंडर्ड रेट इतना है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। पेपर में हो सकता है लिखा हो कि एक एम्प्लॉई है उसने 100 यूनिट कंज्यूम करें, एक यूनिट 10 रुपये का होता है तो बेसिकली 1000 रुपये हुआ, लेकिन उसको उसके मालिक ने प्रोवाइड करा है, आई मीन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करा है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 200, तो क्या टैक्सेबल करोगे? 200 टैक्सेबल। लेकिन ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर ये क्या हो रहा है, विल बी टैक्सेबल, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब ये हो गया तुम्हारे घर में बिजली का बिल आएगा, जो भी आएगा मैं दे दूंगा, यही हुआ ना अदरवाइज का मतलब। तो एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके अलावा जो पेमेंट करेगा एम्प्लॉय करेगा वो तो उसकी अलग बात होगी। जब एम्प्लॉय पे ही कर रहा है तो वो बेनिफिट नहीं है ना, मैं टैक्सेबल क्या करूँगा उसको? तो मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, तेरे घर बिजली का बिल आ रहा है, तो उसकी पेमेंट कर रहा है, टैक्सेबल करूँ कुछ? टैक्सेबिलिटी तब आती है जब कोई बेनिफिट फ्लो हो रहा होता है। और इसी केस में मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप इसको रीड करोगे, चाहे एक बार मैं रीड करा दूंगा, बहुत ही क्लियरली आसान सा है ये, क्या मैं कह सकता हूँ इफ़ इट इज़ अ बेनिफिट, जैसे सपोज करो पहला वाला केस है, ठीक है, पहला केस क्या है, मैं जनरल बात करता हूँ, बिजली का बिल आया और वो बिल भी मेरे नाम पे ही आता है एंड आई एम पेइंग दैट, तो आप मुझे बताइए वो किसके लिए टैक्सेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ, एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड के एंगल से। आप आरएफए में रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, बिजली का बिल मेरे नाम पर आ रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के नाम पर आ रहा है, मैं पे कर रहा हूँ उसको, वट विल बी टैक्सेबल? जो भी मैं पे कर रहा हूँ, दैट्स अ बेनिफिट, दैट विल बी टैक्सेबल टू यू, बट ये है तो बेनिफिट ना, सो इट विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर आरएफए नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आप एक बार दोबारा बोलता हूँ, मैं रिलेट नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं ना एक लाइन लिखवा देता हूँ, ये लाइन लिख लेना, इसी में ये जो अभी तुमने परकसेट नोट कर रहे हो इसके नीचे, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इन द नेम ऑफ, एक बार लिख लो इसको क्योंकि वो अपने अब जाके उधर लेफ्ट चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इन द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमाउंट ऑफ बिल इज रुपीज 1500 पर मंथ, रुपीज डैश विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ, पहले ध्यान से सुन लो, ये हर एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा या ये स्पेसिफाइड में होगा या नॉन स्पेसिफाइड में होगा, दोनों में होगा, ये बताना आपने। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बेनिफिट। ये भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम पर है, पेमेंट कौन कर रहा है, रिलायंस कर रहा है, तो ये रिएम्बर्समेंट है, ये नहीं, ये मॉनिटरी ऑब्लिगेशन है, नहीं भाई, बिल मेरे नाम पर आ रहा है एम्प्लॉयर के नाम पर, पेमेंट मैं कर रहा हूँ, दिस इज अ बेनिफिट, सिंगल एम्प्लॉय का 1500 पर, ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, पहली बार समझ आया मैंने स्पेसिफाइड क्यों लिखा है। अब अमाउंट बता दो, जितना मेरा खर्चा हो रहा है, 1500 मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मेरा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा दैट इट इज ओन्ड बाय रिलायंस, ठीक है, तो मेरा बिल कितने का है, 1500 पर मंथ, 18000 रुपये साल का विल बी टैक्सेबल। ये मुझे ये बता दे, ये जो भी केस है ये तेरे हिसाब से बेनिफिट है, परकसेट दो टाइप के होते हैं, बेनिफिट है या ये काइंड ऑफ बेनिफिट, हाँ वो है, तो काइंड और बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होते हैं, समझ रहे? सर
क्या सॉरी बताइए बच्चे क्लियर है इसने आके अपना लेट करा दे नहीं तो आज करा दे 15-20 मिनट अगली क्लास कितने बजे 12 बज चुके 12 बजे से ही है अगली क्लास सर हाँ जी मैडम सर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो मंथली बिल आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ना कोई बिल नहीं आता मतलब ये तो आपको बस एग्जाम में डिटेल दी होगी कि इतनी कॉस्ट लगी है एम्प्लॉयर की मान लो आप जो एम्प्लॉई हो वो दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉई हो आप तो दिल्ली जल बोर्ड ने आपको जितने भी लीटर पानी दिया है एक मीटर रीडिंग होती है तो उसको पता होता है कि मैंने अगर इतने यूनिट्स चलाए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये दिल्ली जल बोर्ड को पता होती है क्योंकि आप उसको ओन अप ही कर रहे हो ना तो ये प्राइवेट के लिए थोड़ी होगा सर हाँ कह सकते हो मे बी प्राइवेट के लिए ना हो कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेगा क्योंकि ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नाम से लिखा है तो मैन्युफैक्चरिंग ठीक है जी तो यहाँ तक रखते हैं सर जी हमने कवर कर लिया है वैसे एलटीसी मेरी कोशिश थी बट इतना हो गया तो सही है तो अब इतने तक आप कर लेना अच्छे से अभी हमने मतलब मैं ना तुम्हें क्वेश्चन चलो मैं बता दूंगा एक बार कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं बस एक इस स्वीपर गार्डनर पे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं होता वैसे वो मेन उसमें ही आएगा मेडिकल परकसिड का एक क्वेश्चन था तो मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ पर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ज़रूर देख लेना अब हम कितने बजे मिलेंगे यार क्या शेड्यूल था कितने कितने बजे कैपिटल गेन लंबा कराना है 12:20 चलो 12:20 पर आ जाओ जी 12:06 हुए अभी ठीक है या शुरू कर दूं चलिए 12:20 पे मिलते हैं बच्चों थैंक यू वेरी मच ओके बाय बाय इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं बचा दम एक क्वेश्चन बचा समझ रहे ओके बाय बाय